स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से। तो जो रैली हुई थी उम्र सीमा को लेकर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है, उसको लेकर डीजीपी सर अभिनव कुमार और उसके अलावा शैलेश बगोली जो सचिव गृह हैं उनकी ओर से बयान जारी हुआ है। इस बयानों के डिटेल में एनालिसिस करेंगे और समझेंगे क्या वाकई में उम्र सीमा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो मेरे साथ आप तक बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जी हाँ, पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के लिए शासन को पत्र भेजा गया। जैसे कि आपको पता है कि जिस समय आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ था उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का, उसके अगले दिन ही राम कंडवाल और उनकी एक टीम ने जो है डीजीपी सर को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन्होंने सोमवार, ये पिछले सोमवार की बात है, ठीक है, कहा था कि उस समय आपने देखा होगा कि दिवाली की छुट्टियां भी चल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था सोमवार तक चीज़ें सचिवालय से क्लियर हो जाएंगी। बट इस सोमवार आ गया, बट अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। इसको लेकर डीजीपी सर का कहना है कि प्रक्रिया बदलाव के लिए शासन को पत्र भेजा गया है, इसमें यूपी और बिहार की भर्ती विज्ञप्ति को आधार बनाते हुए उसके आधार पर बदलाव की अपील की गई है। यानी कि सेम जैसा कि आपने देखा होगा राम कनवाल कह लीजिए या फिर बेरोजगार संघ लगातार कहता रहता है कि अन्य राज्यों में, जिसमें हिमाचल प्रदेश, बिहार, यूपी का एग्जाम्पल दिया जाता है कि किस तरह से भर्तियां लिटाने पर वहां पर उम्र सीमा बढ़ाई गई थी, उसी को लेकर यहां पर कहा गया है। डीजीपी सर ने भी वही बात कही है कि उम्र सीमा जो है, या फिर उम्र सीमा से ही बात हो रही है कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है बिहार और यूपी के तरफ पर दिया गया। अब देखते हैं शासन इस पे क्या डिसीजन लेता है, एक बड़ा सवाल ये होता है। ये तो रहे डीजीपी सर, अब गृह सचिव क्या कहते हैं वो सुन लीजिए कि पुलिस मुख्यालय से प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है, यानी कि जो ये गृह सचिव क्या कहते हैं वो जो है सुन लेते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ से उन्होंने भेजा, एक सोमवार यहाँ तक पहुँचने में लग गया। अब उन्होंने कहा है कि पुलिस मुख्यालय से प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है, इस संबंध में शीघ्र ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। यानी कि इस बार मामला काफ़ी संजीदा है, काफ़ी पेचीदा है और काफ़ी माहौल गर्म हुआ है, जिसका असर अभी आपने देखा होगा, राज्य स्थापना दिवस के दिन तमाम अभ्यर्थी जो है रोड पर आए थे, रैली का आयोजन हुआ था, यानी कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ा है। और जो है सचिव गृह ने कहा है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक ली जाएगी और उसके बाद ही इस पर डिसीजन लिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है लगभग आई थिंक 20 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, 20 या 21 नवंबर जो भी है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो उससे पहले पहले डिसीजन लेना होगा, फिर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे अगर उम्र सीमा बढ़ाना है, ठीक है, और कितनी बढ़ती है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि तमाम जो अभ्यर्थी कह रहे हैं 27 आयु की मांग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक बड़ा सवाल है। देखते हैं अब इस पे क्या डिसीजन आता है, वो तो आने वाला जो है समय ही बताएगा। तो यानी कि आयु सीमा पर छूट शासन लेगा निर्णय, तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बेरोजगार युवाओं के साथ बहुत अच्छी खुशखबरी आ सकती है कि आयु सीमा को लेकर जो प्रत्यावेदन पुलिस मुख्यालय की ओर से शासन को भेज दिया गया है, अब गेंद सरकार के पाले में है। इस संबंध में शीघ्र ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो है इस पे जो है डिसीजन लिया जाएगा कि वाकई में जो है उम्र सीमा बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए। ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्यावेदन पर अपनी टिप्पणी के साथ शासन को भेज दिया है। पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण बरनदीप सिंह के हवाले से भेजे गए पत्र में कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में एक बार शिथिलीकरण करते हुए अधिकतम आयु सीमा 28 करने के संबंध में शासन से मंतव्य मांगा गया है। जिया यानी कि जो पुलिस मुख्यालय की ओर से गया हुआ है उसमें जो है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती हुई वो 28 की जो है यहाँ पर मांग की गई है। शासन को जारी प्रत्यावेदन में बेरोजगारों की ओर से यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का हवाला दिया गया है। इन राज्यों में विभिन्न कारणों से बीते वर्षों में भर्ती नहीं हो पाने के कारण 3 से 4 साल तक की छूट अभ्यर्थियों को प्रदान की गई थी। प्रत्यावेदन भर्ती में छूट देते हुए बेरोजगारों की जो उम्र है 18 से लेकर 28 वर्ष करने का निर्णय
लिया गया है, ऐसा होता है तो एक तरह से बहुत ही अच्छी पॉजिटिव खबर है। हालांकि इसमें एक दूसरी चीज इंक्लूड नहीं है जिसके ऊपर भी जो है राज्य स्थापना दिवस पे आंदोलन हुआ था, वो है महिला अभ्यर्थियों की जो है पदों को ऐड करने को लेकर। इसके ऊपर भी मैंने पहले एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे महिला अभ्यर्थी हमारे ऊपर बहुत सारे अलग अलग कमेंट कर रहे थे, लेकिन उस वीडियो को आप टेक्निकली समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो एक्चुअल बैकग्राउंड उसके पीछे क्या है। चलिए उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खुशखबरी है, प्रत्यावेदन पहुंच गया है पुलिस मुख्यालय की ओर से, और जो उम्र सीमा है 18 से लेकर 28 होने वाली है, खुशखबरी है। और आई थिंक 2-4 दिन में बैठक हो जाएगी, उसके बाद जो है निर्णय लिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।